अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ इकबाल पार्क का व्यू शेयर करूंगी। फैमिली के साथ आज मुझे जाने का मौका मिला है और मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाते हैं कि इकबाल पार्क कैसा है। ये झील है, ये दोनों तरफ राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। दरमियान में पाथ बनाया हुआ है गुजरने के लिए, आगे गार्डन में जाने के लिए। ये देखेंगे दूसरी तरफ भी है, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। बहुत पुरसकून ये पार्क है और कोई शोर शराबा नहीं है। हम तकरीबन 1 बजे गए थे और इस साइड पे इतना रश नहीं था। इसकी 2-3 एंट्रेंस पॉइंट बनाए हुए हैं उन्होंने। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे है और लेफ़्ट साइड से बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान भी आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये डांसिंग फाउंटेन्स हैं और मेरा ख्याल है कि ये शाम के टाइम चलते होंगे। बकायदा बोर्ड पे लिखा हुआ है, लाइटिंग भी होगी इसकी और डांसिंग फाउंटेन्स हैं ये। साथ साथ हवा चल रही थी और धूप भी थी तो बहुत इंजॉय किया हमने। आप भी ज़रूर जाइएगा अपनी फैमिली को लेके। आप पार्क चेक करें, इसके कितने ज़बरदस्त हैं और ग्रीन घास है और कोई गंद नहीं है, साफ सुथरी ग्राउंड्स थी। ये देखें, ये फ्लैग के लिए बनाया हुआ है। अब हम आगे जा रहे हैं। ये जो है ये हफीज़ जलंधरी का मज़ार है, ठीक है। हफीज़ जलंधरी साहब का सबको पता ही होगा, जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा था। ये इधर से एंट्रेंस बनाई हुई है और ये सारा एरिया जो है इनके लिए मुख्तस है। बहुत साफ़ सुथरा पार्क है, बहुत पुरसकून ये जगह है। आप भी ज़रूर जाइएगा सैटरडे या संडे को अपनी फैमिली के साथ। फिर ये एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें 4 पिलर्स हैं इस तरह करके ना। एक पे अल्लामा इकबाल के बारे में लिखा हुआ है, वो दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है उस पे कायदे आज़म के बारे में है, और तीसरा और चौथा मैंने देखा नहीं। उस पे भी मेरे ख्याल से एक पे फातिमा जना की है और इसी तरह चौथे पे भी है कोई पिक्चर। ये आगे जाएं तो ये थोड़े से झूले लगे हुए हैं, बच्चों ने झूले लिए और इंजॉय किया। फिर झूले लेके ये बच्चे थक भी गए। ये हमने ऊपर ब्रिज से वीडियो बनाई थी। ये मीनार पाकिस्तान की दूसरी साइड है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा झूले और लकी रानी सर्कस भी लगा हुआ था, वो पीछे टेंट्स में आपको नज़र आएगा। ये पार्क तो लोगों से फुल भरा हुआ था, बहुत रश था इधर झूलों पे, और इसकी 2-3 साइड्स पे जो है ना इधर झूले लगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये वो पीछे लकी रानी सर्कस और इधर झूले व्हील वाले ड्रैगन बोट है, और फिर ये दूसरी साइड, ये सामने वाली साइड, ये देखें यहाँ पे भी झूलों से भरा पड़ा था ये।